सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म की तरह चेयरमैन सेनेट भी सेलेक्टेड है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ दोबारा तहरीकी अदम एतमाद लाने पर गौर कर रहे हैं। रावर कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑपोजिशन ने ईद के बाद एपीसी बुलाने का फैसला कर लिया। मीडिया से बात करते हुए अकरम दुरानी ने कहा, तमाम जमातें सेनेट में शिकस्त की तहकीकात करेंगी। मरियम नवाज की गिरफ्तारी की मजम्मत भी की। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास का 12 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब के हवाले, अदालत का दोनों को 21 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज के वकील के रिमांड की सदा की मुखालिफत, नैब टीम मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को वापस ले गई। और पाकिस्तानी आजमीन हज सहूलियात न मिलने पर मुश्किलात में मुब्तला। मकतब 83 के आजमीन हज को मीना में कल रात से खैमे न मिल सके। 150 से जायद आजमीन खुले आसमान तले, बेयारो मददगार। सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म की तरह चेयरमैन सेनेट भी सेलेक्टेड है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ दोबारा तहरीकी अदम एतमाद लाने पर गौर कर रहे हैं। रावर कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑपोजिशन ने ईद के बाद एपीसी बुलाने का फैसला कर लिया। मीडिया से बात करते हुए अकरम दुरानी ने कहा, तमाम जमातें सेनेट में शिकस्त की तहकीकात करेंगी। मरियम नवाज की गिरफ्तारी की मजम्मत भी की। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास का 12 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब के हवाले, अदालत का दोनों को 21 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज के वकील के रिमांड की सदा की मुखालिफत, नैब टीम मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को वापस ले गई। और पाकिस्तानी आजमीन हज सहूलियात न मिलने पर मुश्किलात में मुब्तला। मकतब 83 के आजमीन हज को मीना में कल रात से खैमे न मिल सके। 150 से जायद आजमीन खुले आसमान तले, बेयारो मददगार।